स्टडी पॉइंट बाइकॉन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज है जॉब अलर्ट नया वीडियो। काफी दोस्तों की डिमांड थी कि सर हमारे को समय समय पर बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में भी अवगत करा दे सर। तो इसी वजह से भारत सरकार राजस्थान सरकार द्वारा तमाम जो वैकेंसीज निकलती हैं उसके बारे में भी आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा। ये संक्षिप्त में वीडियो होगा दोस्तों, बहुत ही दो तीन वैकेंसीज के बाद एक साथ होगा। इसकी फार्म अप्लाई करने के लिए जो तमाम हमारी योग्यताएं होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको अवगत करा दूंगा। और यदि आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी चाहिए तो मैं इसकी अधिकृत वेबसाइट का लिंक यहाँ पर यूट्यूब पर अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको और भी देख सकते हैं। लेकिन आप यदि फार्म के एलिजिबल के लिए बहुत संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ही संक्षिप्त वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। दोस्तों अभी तक यदि इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबाइए, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत सारी जॉब अलर्ट सर्विस, इसके अलावा राजस्थान जी के, इंडिया जी के तमाम जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके। दोस्तों पूरा तरह से यूट्यूब चैनल निःशुल्क रहेगा हमेशा और आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा यानी गृह रक्षा विभाग द्वारा हमारे यहाँ पर होम गार्ड भर्ती निकली है और ये होम गार्ड वैकेंसी 2020, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 2500 दोस्तों है। इसकी जो योग्यता रखी गई है दोस्तों वो आठवीं पास है। लेकिन इससे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी फीस क्या रखी गई है। सबसे बड़ी बात आती है क्योंकि हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन सबसे बड़ा जो एक बेरोजगार युवा होता है उसकी सबसे बड़ी मायने रखती है कि भारत इस फार्म में अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन इनके पास अपने पास फीस कितनी है या नहीं है वो देखनी पड़ती है। तो इसकी सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा फीस की बात करता हूँ, आज समय आप इसके लिए एलिजिबल है जनरल और ओबीसी जो कैटेगरी है उसके लिए ₹200 इसकी फीस है, और एससी एसटी और एमबीसी इसके लिए ₹175 है। दोस्तों आप चाहें तो इसको ई मित्र के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना कि इसकी अप्लाई करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो एसएसओ आईडी है, उस एक जो राजस्थान सरकार का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तमाम जो वैकेंसी होती है उसको अवेलेबल होती है, उस एसएसओ आईडी के माध्यम से अप्लाई करना। घबराइए मत दोस्तों, जो नए कैंडिडेट हैं उसके लिए आपको ईमेल अकाउंट बनाना होगा। ईमेल अकाउंट के माध्यम से या अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से, अपने मोबाइल नंबर से, कैसे भी आपको ईमेल एसएसओ आईडी बना दी जाएगी। एसएसओ आईडी आप चाहे तो ई मित्र के माध्यम से आप जाकर, नवीन पहली बार बना रहे हो तो आप ई मित्र सेंटर पर चले जाइए, वहां पर आपको निःशुल्क एसएसओ आईडी निर्मित कर दी जाएगी और वहां से फॉर्म अप्लाई कर दिया जाएगा। और जो पहले से कैंडिडेट जो जिन्होंने राजस्थान सरकार की भर्ती अप्लाई कर चुके हैं वो एसएसओ आईडी के माध्यम से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ही घर बैठे आप कर सकते हैं। लैपटॉप वाइज आपके पास है तो उससे कर सकते हैं और चाहे तो मोबाइल से भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है कि यहाँ से देखिए 10 जून 2020 से ये इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 9 जुलाई 2020 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 9 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी अंतिम तिथि। लेकिन आप कभी भी दोस्तों ये ध्यान रखना, अंतिम तिथि का कभी भी इंतजार नहीं करें, समय रहते हुए आपको अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि हो सकता है सर्वर कभी डाउन हो सकता है, इस वजह से आप कहीं वंचित ना रह जाओ। भाग्य का पर विश्वास इतना होना चाहिए, लेकिन आप क्रम करते रहिए। आगे देखिए इसकी एज लिमिट दोस्तों मिनिमम एज लिमिट है 18 वर्ष। या ना हम कहीं मेरे साथ विद्यार्थी पूछते हैं दोस्तों कि सर क्या मैं इसमें भर्ती में अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो तमाम वैकेंसी निकलती है उसमें एज लिमिट हमेशा 18 वर्ष होती है और उसमें कम से कम, कहीं कुछ वैकेंसी होती है उसमें कम, उसमें भी 16 साल वाले एलिजिबल होते हैं लेकिन बहुत कम, रेयर कह पाते हैं, लेकिन ज्यादातर 18 वर्ष होती है और अधिकतम इसमें 35 वर्ष है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कैटेगरी जैसे एससी एसटी ओबीसी राजस्थान सरकार के आरक्षण के अनुसार उसको एज लिमिट में छूट दी गई है, यानी हमारे को उम्र में छूट दी गई है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। दोस्तों इसमें आठवीं पास वाला विद्यार्थी साथी इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन अधिकतम योग्यता वाले को यहाँ प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उसके नंबर अंक जुड़ेंगे, इसके अलावा आरसीईटी कोर्स कर रखा है उसके अंक जुड़ेंगे, और भी कोई एक्स्ट्रा आपके पास योग्यता है जो वाली खेलकूद की योग्यता हासिल कर रखी है तो उसके भी अंक जुड़ेंगे, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोस्तों इसमें रिटर्न नहीं है बल्कि फिजिकल और बेस पर आधार पर इससे ज्वाइनिंग होगी। तो तमाम जो पुलिस की जो प्रोसेस होता है, पुलिस
राजस्थान पुलिस का जो प्रोसेस होता है वो इसी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। दोस्तों इसमें आवेदन करते समय आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रमुख दस्तावेज आपके पास आठवीं की अंकतालिका होनी चाहिए, उच्च योग्यता प्राप्त और जो उच्च योग्यता कौन सी जो अंतिम उच्च योग्यता का अंकतालिका आपके पास होनी चाहिए, एक आपके नवीनतम फोटो होनी चाहिए आपके पास, एक हस्ताक्षर और आपका एक थंब इम्प्रेशन, ये आपका दस्तावेज के साथ ही आप इसे आवेदन कर सकते हैं। तो ये राजस्थान सरकार की होमगार्ड की बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, आपकी इसकी लास्ट अंतिम तिथि आपको मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान सरकार देखिए राजस्थान मंत्रालय बोर्ड द्वारा ये वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी है लैब टेक्निकल और असिस्टेंट रेडियोग्राफर की वैकेंसी 2020 है, इसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है दोस्तों, इसलिए मैं वापस इस भर्ती को रिपीट करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये भर्ती है 2020 के लिए, इसकी टोटल जो वैकेंसीज है वो 2177 दोस्तों। इसमें जनरल और ओबीसी की जो फीस रखी गई है, जो क्रिमिनल है ओबीसी यानी क्रिमिनल में आते हैं उसकी 450 है और जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है उसकी 350 रखी गई है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 250 फीस रखी गई है दोस्तों। ये भी आप एसएसओ आईडी के माध्यम से इसको ऑनलाइन करना है, अगर बेटे आप ऑनलाइन कर सकते हैं लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 18 जून 2020 रखी गई है और लास्ट अंतिम तिथि है 30 जुलाई, ये तिथि बढ़ा दी गई है दोस्तों, 30 जुलाई 2020 तक आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 1/1/2021 तक आपके पास मिनिमम होनी चाहिए 18 वर्ष की उम्र के साथ ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अधिकतम इसमें 40 वर्ष है। इसके साथ साथ इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी ओबीसी को अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग, आप चाहे तो इसके अधिकतर वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा डिटेल में विज्ञप्ति देख सकते हैं। वैकेंसी इसमें देखिए दोस्तों लैब टेक्निकल पोस्ट है, लैब टेक्निकल 1119 पोस्ट है और इसमें सीनियर सेकेंड ईयर 12 साइंस में चाहिए, साइंस में होनी चाहिए और इसके साथ ये डिप्लोमा होना चाहिए, डीएमएलटी का ये डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट रेडियोग्राफर, इसमें 1058 पोस्ट है दोस्तों और ये सीनियर सेकेंडरी साइंस और रेडियोग्राफर कोर्स में आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और आने वाले समय में इसी प्रकार से जॉब अलर्ट समय समय पर मैं देता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये भारत सरकार की वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड द्वारा ये भर्ती आयोजित हो रही है, ये एसएससी ले रहा है। इसमें एसआई दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं, इसकी टोटल जो वैकेंसी है 1564 पोस्ट है। उसकी एप्लीकेशन फीस देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी के लिए जो फीस रखी गई है वो 100 रूपए रखी गई है, जनरल ओबीसी के लिए 100 रूपए फीस रखी गई है दोस्तों और बाकी जो वुमेन है एससी है एसटी है एक्सर्वेशन उसकी कोई भी फीस नहीं रखी गई है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी गई है। स्टार्टिंग जो डेट है वो 17 जून 2020 है, 17 जून 2020 रखी गई है और अंतिम तिथि इसकी है 16 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अधिकृत वेबसाइट एसएससी की वेबसाइट पर जाकर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, ये राजस्थान सरकार की नहीं है, ये भारत सरकार की वैकेंसी है इसमें दिल्ली, ठीक है दोस्तों। इसकी जो एज रखी गई है वो 20 साल का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है और अधिकतम इसमें 25 साल है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एज रिलैक्सेशन वो भारत सरकार के आरक्षण के अनुसार एससी एसटी ओबीसी को यहाँ छूट दी गई है। इसके साथ इसकी योग्यता क्या है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री यानी यहाँ पर बीए बीएससी या बीकॉम एलिजिबल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकता है, इसमें बारहवीं वाला अप्लाई नहीं कर सकता दोस्तों, इसमें बीएससी बीएड वाला बीएससी या बीए या बीकॉम वाला एलिजिबल होता है दोस्तों। इसमें जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, इसमें दिल्ली पुलिस इसमें मेल के लिए 91 पोस्ट है और उसके साथ ही सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए 78 पोस्ट हैं दोस्तों और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल आर्मी जीडी यानी जनरल ड्यूटी इसमें है 1395 पोस्ट हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों समय समय पर आपको इसी प्रकार से वीडियो लेकर आऊंगा जॉब अलर्ट में और आप इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे आपकी स्क्रीन पर जल्दी से।